Hi, this is me, Dietitian Shreya, and this time I am a chef, Dietitian Shreya. इंडिया में रहते हुए और जब सर्दियां आ रही हों और पिन्नी की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो पॉसिबल है ही नहीं. तो जब हम लोगों ने एक वीडियो किया था फेसबुक पे, इंस्टा पे लाइव, तो बहुत सारी क्वेरीज थी और आप लोग बहुत सब कुछ पूछ रहे थे. तो हाई डिमांड पे हम लोग अलसी की पिन्नी दोबारा बनाने जा रहे हैं आपके लिए. सो पहले आप इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए, उसमें क्या क्या आपको कलेक्ट करना है. आपको अलसी लेनी है, अलसी का अमाउंट ज़्यादा रहेगा. तो सपोजिंगली अगर आप 250 ग्राम्स अलसी लेते हो तो आप 150 ग्राम्स काले तिल और सफ़ेद तिल ले सकते हो. अब इसमें कई क्वेश्चंस ये आए थे कि क्या हमें काले तिल लेने ज़रूरी हैं. बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, पर इनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स अलग अलग होते हैं. सो आप सफ़ेद तिल और अलसी भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे काले तिल, सफ़ेद तिल और अलसी लेने जा रही हूँ. सो आपको क्या करना है, मैंने इन दोनों की अमाउंट, अलसी की अमाउंट जो है वो इनसे थोड़ी ज़्यादा रखी है. सो ड्राई रोस्ट करेंगे. तो मैंने इसको पहले थोड़ा प्रीहीट कर लिया था. प्रीहीट करने के बाद आप इसमें अलसी डालेंगे, क्योंकि मैं मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे मेरे मम्मा ने, मेरे मदर इन लॉ ने मुझे पिन्नी बना के दी थी. तो इट्स अ टाइम टू गिव देम बैक. ड्राई रोस्ट आप सिम गैस पे 5 मिनट्स के लिए कर सकते हैं. अब जैसे ये आप देखेंगे, ये ड्राई रोस्ट हो गया है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है. इसको हम इसमें वापस डाल देंगे. फिर आप इसमें सेसमे सीड्स को ड्राई रोस्ट करेंगे. सेसमे सीड्स तिल बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, पीरियड्स पेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. जो ये पिन्नी है ये ग्लूटेन फ्री होने वाली है. ग्लूटेन फ्री, फ्लावर फ्री और ऑयल फ्री पिन्नी हम लोग बनाएंगे. अब इसी पिन्नी में मैं आपको दो इसके मेथड्स दूंगी, एक डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और एक नॉन डायबिटिक वेट वॉचर्स के लिए. सो ये भी आप 5 मिनट्स के लिए रोस्ट करेंगे. और जब आप इसको तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसका कलर जो है आप यहाँ पे देखेंगे लाइट ब्राउन, कुछ कुछ यहाँ पे लाइट ब्राउन हो गए हैं. तो आप ये भी 5 मिनट्स के लिए रोस्ट करें. ड्राई रोस्ट ऑन सिम फ्लेम. सेम आप ब्लैक सेसमे रोस्ट करेंगे. ब्लैक सेसमे डालना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है. आप इसको जितना कम भी रेसिपी को रखना चाहें, जैसे कि आप इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट यूज़ करें, अलसी और तिल. पर अगर आप सिर्फ अलसी से बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि एक जो पिन्नी हो वो कंप्लीट स्टोर हाउस हो नरिशमेंट का. तो उसमें आपको प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरीज थोड़ी बहुत जो जितनी चाहिए. एक पिन्नी में जो कैलोरीज हैं आपको 35-40 कैलोरीज मिल सकती है, डिपेंडिंग आपने कितने सीड्स डाले हैं. मैंने इसमें सारे सीड्स यूज़ किए हैं, ड्राई फ्रूट्स, आमंड, पिस्ता, वॉलनट्स, ये सब मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया है. क्योंकि हो सकता है कि गर्मी ज़्यादा हो जाए, मतलब कहते हैं ना कि हीट प्रोड्यूसिंग फूड्स हैं ये, तो हीट प्रोड्यूसिंग ज़्यादा ना हो. और मुझे बच्चों को भी देना है, तो जैसे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, आमंड हाई एलर्जन में काउंट होता है, इसीलिए मैंने इनमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, सिर्फ सीड्स डाले हैं. सो अब ये भी ड्राई रोस्ट हो गया है. अब हमारे ये तीनों चीज़ें ड्राई रोस्ट हो गई हैं. पर कई लोग अब क्या करते हैं, इसको और हेल्दी बनाने के लिए, जैसे मैं हूँ, तो मैं क्या करूँगी, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, जितने भी और सीड्स आप इसमें डालना चाहते हैं आप वो भी डाल सकते हैं. इससे इनका डेफिनेटली कंटेंट वैल्यू, आयन का या जो माइक्रो मिनरल्स हैं उनके कंटेंट पूरे हो जाते हैं. आप कैल्शियम के लिए तो कुछ भी खाइए, लेकिन मिनरल्स के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए या अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए इसमें मूफा, पूफा, ऐसे बहुत अच्छे ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा फैटी एसिड होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हमें ज़रूरत होती है वो भी होते हैं. सो आप ये वाली पिन्नी अगर रोज़ अपने बच्चों को 2 पिन्नी देंगे तो डेफिनेटली पूरे दिन की जो गुंजाइश है मिनरल्स की वो पूरी हो जाती है. आगे हम बनाते हैं, चलिए. सो इन सबको भी आप रोस्ट करके रख सकते हैं. मैंने यहाँ पर इनको प्री रोस्टेड ले लिया है. सो अब हम क्या करेंगे, इनको आप सेपरेटली भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको मिक्स भी इकट्ठा कर सकते हैं. इनको आप ग्राइंड कर लेंगे. सो
सो अब आपने देखा कि हमने यहाँ पे इसको ग्राइंड कर लिया है, पाउडर हो गया है। अब यहाँ पर एक रेसिपी में ट्विस्ट आता है जो ये पर्सनलाइज ट्विस्ट होगा। अब मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में डेट्स भी लिए हैं। सो अब क्योंकि मुझे बच्चों को देना है और इंडिया में मेनली लेडीज़ का आयरन डेफिशिएंसी होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो हम लोग इसमें डेट्स डाल रहे हैं क्योंकि डेट्स में बहुत अच्छा आयरन कंटेंट होता है। आपको जितना मीठा पसंद है उतना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते हैं, मेरे बच्चे भी नहीं और मैं भी नहीं, तो मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप देख रहे हैं मैंने इसमें कितने 5 डेट्स डाले हैं। और ये जो पिन्नी है, मतलब जो पिन्नी का मटीरियल है, वो हम इसमें डाल देंगे। सो मैं आपको यहाँ पे दोनों का डिफरेंस बताऊंगी। देखो, जब मैंने डेट्स के साथ इसको मिक्स किया, ग्राइंड किया, और एक मैंने विदाउट डेट्स किया। विदाउट डेट्स में सिर्फ इतना है कि ये बाइंड नहीं होगा। अगर आपकी पिन्नी बाइंड नहीं होती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, इसको नट मिक्सचर की तरीके से सिर्फ चाय के साथ खा सकते हैं, बॉल्स उसके ना बनाएं। बट स्टिल अगर हम लोग डेट्स की बात करें तो ये डेट वाली जो पिन्नी है वो इतनी ब्यूटीफुल बनी है इस टाइम पे। सो अब हम क्या करेंगे, अब आपने देखा कि ये जो है डेट्स के साथ जो बाइंड हुई है, इसको अगर हम साइंस को, आर्ट का थोड़ा सा तड़का लगा दें तो ये गार्निशिंग के बाद, तिल की गार्निशिंग के बाद, #PTP पासिंग द पार्सल, तो ऐसी हम बहुत सारी भी पिन्नी बनाएंगे। सो अगर हम इसको टेस्ट करें, बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा यमी है। और मैं अभी और जो पिन्नी का सामान है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करूँगी, जैसे कि मेरे और ड्राई फ्रूट्स इसमें हैं, सनफ्लावर, वाटरमेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये आप सारे सीड्स डाल सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, और अगर आपने ट्राई की तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट, शेयर और लाइक मेरे वीडियोस को ज़रूर करें, और अपनी एक पिक्चर जो सेल्फी होगी वो मुझे ज़रूर भेजिए। एंड बिफोर सेइंग फाइनल गुड बाय टू यू, यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहते हैं कि विंटर्स में और रेसिपी, जैसे कि सॉटे वेजिटेबल और सैलड सूप, ऐसी और रेसिपी आप चाहते हैं कि मैं आपको दूँ, तो आपको यूट्यूब को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल बटन प्रेस करना पड़ेगा, ताकि मैं जब भी उसमें कोई भी वीडियोस अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड एंजॉय विंटर्स।